गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, ठंडी में अपने अपने घर में होंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंडी है, और बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं रजाई में बैठी हूँ और शॉल से पूरा कवर कर रखी हूँ अपने आप को, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किसके लिए ये वीडियो बनाई हूँ और क्या क्या मतलब बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना भूलें, ताकि हमारा जो भी मतलब नया वीडियो आए आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो मैं बताने वाली हूँ यूपी ब्लॉगर संगीता के बारे में। तो वो एकदम नॉर्मल इंसान है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, सभी लोग मतलब उनको बहुत ज़्यादा गरीब बोलते हैं, तो गरीब भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो आप लोग उनकी स्थिति देख सकते हैं, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब थी, भगवान के दुआ से अभी तो थोड़ी ठीक हो गई है। और आप लोग इसी तरीके से उनका सपोर्ट करते रहिए और उन्हें प्यार देते रहिए, ताकि वो और आगे जा सके। तो बस यही आप लोगों से गुजारिश है। और बाकी एक मैंने थंबनेल लगाया है, उसमें एक भैया है या बहन है मुझे नहीं मालूम है, वो बोल रहे हैं कि मतलब तुम अपने पति को नहीं बोलने देती हो, खुद ही बोलती रहती हो, डरते हैं वो आपसे, माँ को नहीं बोलने देती हो वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि पति डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कितने लोगों की आदत होती है कम बोलने की। तो वो नहीं, भैया खुद शर्माते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब शर्म आती है उनको और वो कम बोलते हैं, उनको आदत है कम बोलने की। और कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा बोलने की और बहुत फ्रैंकली रहने की, और उनको इतनी आदत नहीं है। तो आप लोग उनके वीडियो में जब भी देखें तो ये चीज़ नोटिस करें, क्योंकि वो मतलब कम बोलते हैं। और हमारे हस्बैंड ही हैं जो, वो भी बहुत कम बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं। और यही आप लोगों को बताऊंगी, बाकी आप लोग समझ जाएंगे खुद ही इतना बोलने से। तो प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट करें, इस तरीके से उनको नर्वस ना करें, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी। तो अब वो थोड़ा आगे जा रही हैं, तो उनको आगे जाने में सपोर्ट करें, उनका मदद करें थोड़ा सा, ताकि हमारी जो मतलब इंडिया में जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। उनको देखो वो कितना मतलब अपने आप को संभाल रही हैं, कितने अच्छे से मतलब वो कर रही हैं। तो आप लोग उनका प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और सर्दी मुझे हो गई है थोड़ी थोड़ी सी, तो इस तरीके के कमेंट मत करें कि मतलब डरती हैं हस्बैंड से, या मतलब जो भी आप लोग थोड़े से वैसे कमेंट करते हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें उन्हें, और थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मतलब जो उनके बच्चे हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सुधर सके। तो इस तरीके से प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा कमेंट, वो मतलब बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्दी उनका चैनल जो है ग्रो किया है, और वो भगवान करे इसी तरीके से आगे जाएं और इसी तरीके से मतलब बनी रहें। बाकी उनका मतलब जो हस्बैंड का तबीयत वो बताती, वो रियलिटी है उनकी, मतलब तबीयत उनका सच में सही नहीं था। तो आप लोग उनका शुरू से वीडियो देखिएगा, और उनका जो आँखों का प्रॉब्लम है तो वो भी उनकी मतलब ऐसे कोई नहीं लगा सकता है कि मतलब मेरा तबीयत ख़राब नहीं है और मैं चश्मा बनवा रही हूँ या ये सब, उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए प्लीज़। आप लोगों से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है, आपको अगर मतलब उनका वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता तो मत देखिए, लेकिन इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है। कोई आगे बढ़ना चाहता है, आप उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो, एक नॉर्मल माँ अपने बच्चों सब मतलब जो एक गरीब माँ है वो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहती है, तो देने दीजिए, उसमें बुराई नहीं है कोई। और
हम तो कहते इस दुनिया में जितनी भी ऐसी माँ हैं वो अपने बच्चों को ज़िंदगी मतलब वो बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हैं, तो वो आगे बढ़े और जिस तरीके से उनको अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से अपने बच्चों की लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो वो उस तरीके से सुधारें। और ऐसी माँ को थोड़ा सा सलूट करना चाहिए और आप लोग इस तरीके का कमेंट मत करें। और यही सब है आप लोगों के लिए, बस इतना ही मैं बोलना चाहती थी। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।